अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा ज़हीर और आप देख रहे हैं एजी हब। एजी हब में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में एक मुनफरद चीज़ ये है कि हम आपको एक ऐसी चीज़ जो नेचुरल है, कुदरती है, लेकिन उसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि हम बात करेंगे आज पुदीने की। पुदीने का इस्तेमाल तो लगभग हर घर में ही होता है, जिसकी महक बहुत से लोगों को पसंद भी होती है। और माना ही जाता है कि कदीम यूनान, रोम और मिस्र में भी पुदीने को बतौर मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि ये सब्स पत्ते आपकी सेहत पर क्या जादू या असरात मुरतब कर सकते हैं? नहीं, तो मैं आज आपको बताती हूँ। आजकल के जो हालात हैं, यानी कि मौसमी तौर पे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रही होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बदहज़मी की। तो बदहज़मी के लिए पुदीना बहुत मुफीद है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा ही जा रहा है कि बच्चों में बदहज़मी के मसाइल की रोकथाम के लिए पुदीना एक अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम कॉन्स्टिपेशन की, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, कब्ज और गैस का इलाज, तो पुदीना इसके लिए भी बहुत मुफीद है। सर दर्द का इलाज, इसके लिए भी पुदीने का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आप पुदीने की पत्तों को सुखा के खुश करके अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। मुंह के जरासीम और सांस की बू से भी आप निजात हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि आजकल बड़ा कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है बंद नाक एक बहुत बड़ा मसला है, तो इसमें ये पुदीना बहुत अहम किरदार अदा करता है, आपकी नाक को खोलता है, क्योंकि ये मेंथोल होता है इसके अंदर। मेंथोल से भी ज़ुकाम के शिकार अफराद के लिए सांस लेना आसान हो जाता है। मौसमी एलर्जी की अगर हम बात करें, तो नाज़रीन पुदीने में मौजूद मरकबात जिसम के मौसमी एलर्जी का रद्द अमल में कमी लाते हैं, यानी कि पुदीना एक बहुत अहम चीज़ है और हर घर में डेली बेसिस पे ये होना चाहिए। लास्ट में नाज़रीन, अगर हम ख़वातीन की बात करें, तो दौरान पीरियड्स ख़वातीन को बहुत सी मुश्किलात होती हैं, दर्द होती है, तकलीफ़ होती है ज़्यादा, तो उसमें भी आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया से लड़ते हैं। आप पुदीने के पत्ते चाय के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने के तेल कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है ख़वातीन के लिए कि ये जल्द को भी बहुत बेहतरीन बना सकता है। पुदीना पीस कर आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, या इसके कुछ ड्रॉप्स बनाकर अगर आप स्टोर कर लें, तो उसके इस्तेमाल से भी आपकी स्किन पे काफ़ी फ़ायदा पड़ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर आपने और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एजी हब से। खुदा हाफिज़।